खबर पलियाकलां खीरी से, जहां स्थानीय नगर पालिका कॉम्प्लेक्स के नीचे कई दिनों से एक लावारिस भूखे पड़े बुजुर्ग को गंदगी के अंबार से बाहर निकालकर पत्रकार एनके मिश्रा ने अपने साथियों के साथ मिलकर मौत से जूझ रहे बुजुर्ग राधे को ठेले पर लादकर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों लंदन यूनाइटेड किंगडम में रह रहे पत्रकार एनके मिश्रा को कहीं से इस बात की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने समाजसेवी व्यापारी नेता रवि गुप्ता को इसके बारे में सूचित कर मदद करने को कहा। और अब रवि गुप्ता के इस सराहनीय कार्य की नगर में चर्चा हो रही है। अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप से माध्यम से जानकारी हुई, एक लावारिस व्यक्ति बहुत ही बुरी कंडीशन में नगर पालिका के कॉम्प्लेक्स में पड़ा हुआ है। तो मैं जैसे ही मैंने फ़ोटो और खबर देखी, मैं तुरंत पहुंचा वहां पे, देखा तो मरणासन्न स्थिति में ये पड़े हुए हैं। इनका नाम पता मैं नहीं जानता। मैं इनको लेके अस्पताल आया हूं, जहां इनका इलाज कराएंगे हम, और उसके बाद जितनी मदद होगी करेंगे, प्रयास किया जाएगा इनकी जान बच जाए, अच्छे हो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। अच्छा, ये कहाँ से हैं, कुछ जानकारी है इस बारे में? नहीं, कोई जानकारी नहीं कहाँ से है, बस मुझे पता लगा, मैं सीधे इनको ले आया अस्पताल। डॉक्टर क्या कह रहे हैं इस बारे में? डॉक्टर साहब कह रहे हैं इनका अगर अच्छे से देखभाल और ट्रीटमेंट होगा तो ये बच जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। बरखेड़ा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देश अनुसार स्कूली छात्राओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु बालिका सुरक्षा जागरूकता पखवाड़ा पीलीभीत जिले में महिला कल्याण विभाग चाइल्ड लाइन व पुलिस के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज कस्बा बरखेड़ा स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में उक्त कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्राधिकारी बीसलपुर प्रवीण मलिक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम चाइल्डलाइन कोऑर्डिनेटर निर्वाहन सिंह ने चाइल्डलाइन 1098 के बारे में अवगत कराते हुए छात्राओं को आत्म सुरक्षा के टिप्स दिए। सिंह ने छात्राओं को कई तरीके से आत्म सुरक्षा के टिप्स दिए, जिन्हें छात्राओं को गौर करने को कहा गया। ये बालिका सुरक्षा अभियान का एक पखवाड़ा चल रहा है शासन की नीति के अनुकूल, उसमें हमने आज GBIC बरखेड़ा में महिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा, जिला प्रोबेशन अधिकारी साहब की टीम, चाइल्ड हेल्पलाइन महिला हेल्पलाइन के कार्यकर्ता और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी मदद से बच्चों में जागरूकता अभियान चलाने की कोशिश की, उन्हें जन जागरण करने की कोशिश की कि वो लोग अपने प्रति होने वाले अपराधों और अपने प्रति होने वाले गंदे व्यवहार के प्रति जागरूक बने, और अपने जो पुलिस और प्रशासन प्रशासन की जो संस्थाएं उनकी सेवा के लिए काम कर रही हैं उनके बारे में जानकारी ग्रहण करें। पीलीभीत के थाना न्यूरिया के पंडरी गांव में घर के बंटवारे को लेकर विवाद में महिला के कैरोसिन डालकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वही महिला की मौत से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। वही आपको बता दें कि महिला के पति इंद्रपाल ने अपने परिवार पे ही हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें कि पति इंद्रपाल के द्वारा पारिवारिक कलह के चलते उसके भाई व भाई की पत्नी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम समेत CO जहानाबाद ने जांच पड़ताल कर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के बुलंदशहर में पत्नी को प्रेमी संग रेस्टोरेंट में देख पति ने अपने भाई के साथ मिलकर प्रेमी की सरेआम जमकर पिटाई कर डाली और पीट पीट कर उसे लहूलुहान कर दिया। प्रेमी की पिटाई होते देख पत्नी ने पति के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। सरेआम हो रहे प्रेमी और पति की पिटाई को पब्लिक देखते रही और लोग वीडियो बनाते रहे, मगर किसी ने भी इन्हें रोका नहीं। मामले का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस अब कार्रवाई का दावा कर रही है। हालांकि पुलिस की माने तो वायरल वीडियो बुलंदशहर के खुर्जा का है और 2 दिन पुराना है। वहीं इस मामले को लेकर 2 दिन पहले ही पुलिस ने प्रेमी और पति को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। सर, बुलंदशहर के खुर्जा नगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने प्रेमी को पीट रही है, क्या मामला है सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है? इस संबंध में SHO खुर्जा नगर से वार्ता हुई थी, उनके द्वारा यह बताया गया है कि ये प्रसंग उनके संज्ञान में लाया गया था दोनों पक्षों के द्वारा, जिसमें मारपीट की बात प्रकाश में आई थी, उसके संबंध में 151 CRPC के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, बाकी अन्य विधिक कार्रवाई तहरीर के आधार पर की जाएगी। सर, क्या ये पता चल पाया कि जो महिला जिसे पीट रही है किस बात को लेकर विवाद था, या सर वो कौन व्यक्ति है? नहीं, ये जो ज्ञात हुआ है कि इनमें एक महिला है जो विवाहित है, वह किसी अन्य पुरुष के साथ किसी रेस्टोरेंट में गई थी जहां पर उसका पति आ गया था, इस संबंध में उनके बीच आपस में वाद विवाद हुआ और मारपीट की नौबत आई।